नशा मुक्त समाज बनाने में ग्रामीण करें सहयोग। सब इंस्पेक्टर किशन सिंह, श्री वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नुहू व उप पुलिस अधीक्षक नुहू श्री अशोक कुमार के कुशल मार्गदर्शन में ग्रामीणों को नशे के बारे में जागरूक किया। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देश अनुसार समस्त हरियाणा में 12 जून से 26 जून तक नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान नशे से आजादी शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जिला भर में नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाकर नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि इस अभियान को 100% सफल बनाया जा सके। इस पखवाड़े के दौरान पुलिस आम जन को नशा न करने के लिए प्रेरित करेगी। इस कड़ी में कार्य करते हुए श्री वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नुहू के मार्गदर्शन व श्री अशोक कुमार डीएसपी नुहू के नेतृत्व में गठित टीम आकेड़ा चौकी पुलिस ने नशे से आजादी को लेकर कार्यक्रम के तहत चौकी अंतर्गत गांव कोटला मेवली मालव दिहाना गोहाना आकेड़ा चौक पर नशा विरोधी कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें लोगों को नशा छोड़ने को लेकर जागरूक किया गया। वे नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक बताया गया। नशे के बारे में कस्बे के लोगों को जागरूक किया गया और उनसे आह्वान किया गया अगर उनके आसपास कहीं नशा बिकता है वे उसकी सूचना स्थानीय पुलिस या एंटी नारकोटिक सेल ताउड़ू के मोबाइल नंबर 8930-900-297 टोल फ्री ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर 9050-8915-08 पर अवश्य दें। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग आकेड़ा चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया गया। लोगों को जागरूक करते हुए नशा एक सामाजिक बुराई है, इसे हम सबको मिलकर जड़ से उखाड़ना होगा। इस मुहिम में हर व्यक्ति अपना योगदान दे और अपनी जिम्मेदारी समझे, अपना तथा समाज के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। आकेड़ा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर किशन सिंह ने कहा कि पूरे हरियाणा में नशे से आजादी को लेकर अभियान चलाया हुआ है। समय समय पर जिले भर ब्लॉक व गांव स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार नशा समाज को खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि नशे के गिरफ्त में फंसे युवकों को मुख्य धारा में लाना ही समाज को नशा मुक्त करना है। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर किशन सिंह, एसआई अशोक कुमार, अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि आकेड़ा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर किशन सिंह द्वारा नशा विरोधी अभियान गांव-गांव पहले भी चलाए जा चुके हैं, जिसमें सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा वे आकेड़ा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर किशन सिंह की टीम माननीय पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के निर्देशन में ग्रामीणों से अपील कर चुकी है कि अगर उनके गांव में कहीं पर नशा बिकता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस के सरकारी नंबर पर दें, चौकी के सरकारी नंबर पर दें ताकि नशा व नशाखोरी पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। गया कि भाई नशाखोरी खत्म हुए, बुराई रोका और पुलिस प्रशासन की भी यही मदद है कि भाई सब मिल के या बुराई रोका। जनाब जब से चौकी पाए बढ़िया काम हो रहा, सब अंदर पकड़ पकड़ के मुद्रो का है कि कोई दाम ना मार ना कोई चौनी ले रहो। बढ़िया अफसर आगे जो जनाब ने हमने हिदायत दी आप हम अमल करेंगा, काम में बुराई रोकेंगा, जी जान तो साथ देंगे और अब जब जुताई बुआई हो जाएंगी वह बाद में बड़ी मीटिंग और करेंगे आपका काम कर देंगे। जब से चौकी प्रभारी किशन ने कोई कार्यभार अपना संभाला है तो अपराध गिरावट आई है, बहुत ज्यादा ही अपराध है ही ना, 100 में से 70% खत्म हो गए। मीटिंग ये सभी लोगों को इंचार्ज साहब ने नोटिफिकेशन देकर बुलाया गया है और जो समझाया गया है कि समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, चाहे नशे की है, चाहे शराब की है, चाहे जो भी नशा के संबंधित जो बुराइयां हैं उनको लोगों के लिए प्रति जागरूक किया है कि भाई समाज में जो फैल रही है बुराई है वो सब मिल के हमारा साथ देकर इन बुराइयों को समाप्त किया जाए। और उसके लिए जनाब चौकी इंचार्ज आकेड़ा द्वारा एक जब से लगे जब से अथक प्रयास किए गए हैं, जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ भी पर्चे दिए गए हैं, वे नशा मुक्ति के जो बच्चे आदि हैं उनको समझाया भी गया, गाँव-गाँव में मीटिंग की जा रही है, आगामी जो खेती का जो काम उसके बाद में फिर गाँव में इस चीज़ के लिए एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा जिससे हमारे एस पी साहब वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में जो नशा मुक्ति का काम चल रहा है उसमें किशन सिंह ने 100% के लिए काम कर रहे हैं और ऊपर वाले चाहे तो सब समाज मिलकर साहब के साथ अभियान के तहत कुछ लोगों के साथ बैठक की है, क्या खास मुख्य उद्देश्य था?
माननीय पुलिस अधीक्षक नुह के आदेश अनुसार जो नशा पर रोक लगाने के आदेश जो हुए हैं उसमें मेन बात ये है कि हमारा जो पुलिस का और पब्लिक का जो तालमेल है उससे इसको रोकने का नशे को प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हमने इलाके के जो चौकी अंदर गांव पड़ते हैं उनके काफ़ी गांवों से यहां आकेड़ा चौक पर बस अड्डा भी है, यहाँ लोग वह आते जाते भी हैं, यहां पर सभी को इकट्ठा किया और उनको इस संबंध में समझाया गया कि कम से कम आप अपने परिवार को और अपने घर को सुरक्षित रखें और इस संबंध में अपने बच्चों को इस नशे जैसी बीमारी से बचाएं ताकि आपका और आपके बच्चों का भविष्य खराब ना हो। माननीय पुलिस अधीक्षक नुह के आदेश अनुसार हमने इस अभियान को पहले ही जारी रखा हुआ था, जो हमने गांव-गांवों में जाकर पुलिस पब्लिक के तालमेल को बढ़ाते हुए उनसे ये गुजारिश की थी कि आप हमारे साथ मिलकर इस नशे को खात्मा कराएं और जो भी इस तरीके के धंधों में संलिप्त हैं उनकी हमें सूचना दें, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।